थी और ये क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? ये सारनाथ में बाबा सारनाथ के नाम पर ये महाशिवरात्रि के पर्व पर जिस दिन अतवार पड़ता है, महाशिवरात्रि के बाद जिस दिन अतवार पड़ता है, ये उत्सव होता है गौतम बुद्ध के नगरी में। बाबा सारनाथ का काशी विश्वनाथ जी के साले हैं, इसलिए इनका उत्सव हम लोग सारे बनारस काशीवासी मनाते हैं और अच्छी कुश्ती अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती दंगल कराते हैं जिसमें विदेश जर्जिया ईरान और हर जगह के पहलवान, रामू पहलवान हमारे हैं, इनके बच्चा भी लड़ेगा जर्जिया के पहलवान से लड़ेगा, एक के सिंह पहलवान है उत्तर प्रदेश, ये भी केसरी हैं रेलवे के चीफ कोच हैं, सारे लोग एकत्रित होकर उत्सव मनाया जाता है कुश्ती का। मेरठ का हो चुका है, गाजियाबाद का हो चुका है, अभी चल रही है कुछ बनारस का हो रहा है, सब जगह का कुश्ती चलेगा। एक लाख से 50,000 से शुरू हो रहा है, 10 लाख तक जाएगा, 11 लाख तक। छोटे पहलवान 5,000-3,000 की उनकी भी कुश्तियाँ हो रही हैं, बादाम खाने के लिए प्रोटीन खाने के लिए पहलवानों को दिया जाता है कि पहलवान का एक दिन का डाइट, एक दिन का भोजन हम लोग दिया जाए। कोई करा ही नहीं सकता परिवेश में, कोई पहलवान जल्दी बनाना नहीं चाहता अपने बच्चे को। देखिए नेता अभिनेता और नहीं नहीं ये बात नहीं है, सभी लोग बनाना चाहते हैं, सरकार की कुछ नीतियाँ गड़बड़ है, जो बच्चों को रोजी रोटी नहीं मिल रहा, खिलाड़ियों को आरक्षण देना चाहिए, कम से कम बच्चों को नौकरी हो तो बच्चा घर के जो गरीब घर से पहलवान होते हैं वो करेंगे, शौक से करेंगे, ये अमीर घर के पहलवान नहीं होते हैं, गरीब घर के किसान के बेटे होते हैं, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि पहलवानों को नौकरी दे, आरक्षण दे, कुश्ती में भी आरक्षण दे। मैं यही योगी जी से मांग करूंगा कि पहलवानों पर कोई भी खिलाड़ी हो, किस चीज़ का खिलाड़ी हो, उस पर विशेष ध्यान दें। खेल बहुत महंगा हो चुका है, लोग अपने बच्चों को खेल में बहुत कम लेकर जाते हैं, जिस तरीके से आपको देखे कि दिल्ली में जो महिला पहलवान थी उनको साथ चूसूगा, लेकिन आप क्या मानते हैं वर्तमान? नहीं नहीं अब वो तो मैटर छोड़ दीजिए, वो राजनीतिक मैटर है, चाहे जो मैटर है उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मैं ये अपना यहाँ दंगल है, दंगल के विषय में बता रहा हूँ और मैं उसके विषय ये दंगल 2 वर्ष पुराना है हमारे, 200 वर्ष पुराना है। समय 5 मिनट। मैं राकेश कुमार तिवारी सारनाथ दंगल कमेटी का सदस्य हूँ और हर साल की भांति इस साल भी ये अंतर्राष्ट्रीय दंगल का आयोजन किया गया है जिसमें देश विदेश के पहलवान आए हुए हैं और सभी अपने जोर की आजमाइश कर रहे हैं तथा उचित पुरस्कार भी दिया जा रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कुश्ती 11 लाख रुपए की जा रही है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।